सिक्योर। अगले साल तक राजधानी रेलगाड़ियों में मिलेगा सीसीटीवी और वाईफाई। सीजीओ कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल में लगी आग, पूरी बिल्डिंग में हड़कंप। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की मिली लाश, हैशटैग मीटू में सामने आया था नाम। अब खबरें विस्तार से। उत्तर रेलवे की राजधानी गाड़ियों में बहुत जल्दी यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलने वाली है। कालका राजधानी एक्सप्रेस के 50 साल पूरे करने के मौके पर उत्तर रेलवे के चीफ रोलिंग स्टाफ ने इंजीनियर शैलेंद्र सिन्हा ने कहा कि अगले साल तक गाड़ियों को अपग्रेड कर सीसीटीवी कैमरा, इंफोटेनमेंट और बायो वैक्यूम शौचालय जैसी आधुनिक सुविधाएं दे दी जाएगी। शैलेंद्र सिन्हा के मुताबिक राजधानी गाड़ियों के साथ साथ शताब्दी गाड़ियों को भी इसी स्तर पर अपग्रेड किया जाने का प्लान है। नई दिल्ली राजधानी के पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन की 5वीं मंजिल पर आग लग गई। आग लगने के कारण नीचे के अन्य मंजिलें भी आग की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल किसी के हताहत की खबर नहीं मिली है। वही आग लगने के बाद मौके पर लगभग 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। यह घटना सुबह तकरीबन 8:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट लगने के कारण आग लगी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 48 वर्षीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अर्धवसु अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। वह कोलकाता के रहने वाले थे। सूत्रों के मुताबिक वह पिछले काफी वक्त से तनाव से जूझ रहे थे और उन्होंने खुद को फांसी लगा ली। पुलिस ऑफिसर ने बताया, संतोषपुर इलाके में रह रहे अर्ध 1 मार्च को अपने फ्लैट में फंदे पर लटके मिले। साथ ही अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हैशटैग मीटू के साथ लिखी गई अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बसु के नाम का जिक्र किया था। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।